तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको उकसा नहीं रही, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी को इसको हिंदू मुस्लिम यूपी में करने में फायदा हो रहा है। ये हमारा सोच नहीं है, कभी भी हमारी सोच नहीं है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को हमको ध्यान में रख करके काम करना होता है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करते हुए चलने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर हम विश्वास करने वाले। घटनाएँ घटती हैं, सेंटिमेंट्स उठते हैं, उन सेंटिमेंट्स को संभाल करके, उसको चैनलाइज करके, लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो दोषी हैं उनको सज़ा हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हमको बंगाल में कम प्रवोक नहीं किया, 12,000 के आसपास लोगों पर अटैक हुए, सब कुछ हुआ। हमने आपको उस दिन भी कहा था, वी विल फाइट डेमोक्रेटिकली एंड वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली। हमने वहाँ SIT बैठवाई है, कोर्ट में केसेस लग रहे हैं, FIR हो रही हैं। तो ये पेशेंस का मामला होता है, तो पेशेंस के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन हम समाज को तोड़ने के लिए या इस तरीके का कोई हम वक्तव्य दे और इस तरीके की चीज़ों को हम इनकरेज करें, ये हम बिल्कुल। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री हैं KS ईश्वरप्पा, जिन्होंने बयान दिया भगवे ध्वज को लेके कि देश में भगवा ध्वज लहराएगा। तो जो DK शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया है, कर्नाटक के नेता, वो तो एकदम बीजेपी चढ़ गए कि यही बीजेपी की सोच है, इनको तो तिरंगा पसंद ही नहीं, तो भगवा ध्वज चाहते। तो आपने ईश्वरप्पा से बात की? बिल्कुल। क्या कहा? हमने दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वक्तव्य नहीं होना चाहिए, बोला आपने। हाँ हाँ, पक्का? बिल्कुल। अच्छा। मैं इसमें देर कभी करता नहीं हूँ। देखिए, हम कानून पर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। वी आर नेशनलिस्ट पीपल, वी हम और गलत बयानी, इरेस्पॉन्सिबल बयानी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मैं, क्षमा करिएगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, अति उत्साही हो जाते हैं, विद इन उनको मालूम है कि अब फोन आने वाला है और मैंने पूछना ही पूछना। और अच्छे क्या बताया उन्होंने आपको? वो बुजुर्ग बता रहे थे कि ऐसा हुआ शिव कुमार जी का, मैंने कहा नथिंग डूइंग। अच्छा, क्या टाइट किया? मतलब हम शब्द टाइट नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको हमने जिन शब्दों में बताना चाहिए था कि इस तरीके से नहीं होता है ये, और ये ठीक नहीं है, ये कभी बर्दाश्त। कर्नाटक में वैसे कभी ऐसा पोलराइजेशन रही नहीं जैसे यूपी में हो या बंगाल में भी देखी गई, कर्नाटक में तो जहाँ वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, साधारण तौर पे ऐसा रहा नहीं है जैसे अब एकदम उबाल पे आ गई कर्नाटक। हाँ, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी और भी दिक्कत होती है, वो क्या होता है कि कुछ लोग भाषण देते देते अपनी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और वो मीनिंग भी नहीं होता है लेकिन फिर भी कह देते हैं। हमारा कहना है मीनिंग था नहीं था, सच वर्ड्स शुड नॉट बी स्पोकन, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं।